तो आप सभी लोग ने यहाँ पर आईसी को रिबॉल और ये लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? कौन लगा सकते? हाथ उठा के बताओ। ईएमसी वाले भी उठा दो, ईएमसी वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये तो आपने तो किया ही है, आप लोगों को तो पहले दिन से शुरुआत से ही बताया गया ना। बता दीजिए ये सर, इसमें नेटवर्क आ गया, करिए खड़ा करिए फर्स्ट। तो देखिएगा इसमें नेटवर्क आ चुके हैं, एक बार इनके लिए क्लैप हो जाएगा। तो क्या काम हुआ है, आप ही एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। एक मिनट, शुरुआत से अच्छा, ये सेट आप लेकर आए थे अपने साथ? हाँ सर, मैं लेकर आया। लेके क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ फिर के आया, क्या पूरा डिटेल में बताइए इसके साथ क्या है। सर ये मोबाइल मेरे पास दुकान पर आया था, तो वो ग्राहक बता रहा था कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैंने उससे पूछा तुमने कहीं पर दिखाया था, तो उसने बोला हाँ मैंने दिखाया था 3-4 जगह, लेकिन ये हो नहीं पाया। अच्छा, तो फिर मैंने उसे ले लिया, मैंने कहा इसकी आईसी चेंज होगी और ये हो जाएगा, मैं इसकी आईसी मंगा दूंगा। अभी सर यहाँ पर आपने मुझे बताया कि इसमें ये होता है, आप एक बार उसको कूल टेस्टिंग भी किए। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक स्टूडेंट है यहाँ पर, और हमारे पास अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रजनीश पाल है, मैं यूपी फुकावा से हूँ। अच्छा रजनीश, ये बताइए इसमें क्या फॉल्ट है अभी? सर इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमने इसमें सिम लगाई है तो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और सिम लगा के आप चेक भी किए उसको, कैसे दिखा दो जरा एक बार, एक बार में सिम डेटेड हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बार अंदर बता दीजिए। ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल का सिम इसमें लगा हुआ है, और अभी इसके आप सर्च करके बताइए। कॉलिंग करके भी दिखा दो एक बार कि कॉलिंग में आ रहा है कि नहीं नेटवर्क, और एक बार बेसबैंड दिखा दो, क्योंकि अगर इमरजेंसी कॉल बनता है तो बेसबैंड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेसबैंड और सिक्योरिटी भी चेक कर लेंगे, आईएमई भी नहीं करेगा, तो आईएमई से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसका नेटवर्क को मैनुअल सर्च किया और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, कुडंट सर्च मैनुअल मोबाइल नेटवर्क बता रहा है। तो अभी एक बार इसका बेसबैंड चेक करके बताइए कि बेसबैंड है कि नहीं है इसका। अबाउट में नहीं है देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर बेसबैंड भी इसका ओके है। ठीक है, तो एक बार स्टार है वो भी डाल दीजिए। ठीक ठीक है, ये भी ओके है। ठीक है, यहाँ से ब्लरी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें ओके है, और हमने इसका कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग अभी इसका दोनों भी किए और हम चेक किए इसमें। और दोस्तों यहाँ पर हमने चेक किया है, एक्चुअली ये कॉलकॉम का सेट है, और इसमें जो हमारा आर एफ आई सी लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है? अच्छा यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हमारी ईएमसी के सेट, वो हमारे स्टूडेंट है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट आई सी नहीं निकाली है, पहले हमने एक चेकिंग की है, एक हमने ट्रेसिंग की है, और हमने देखा है कि आईसी का कुछ इनपुट होता है या कुछ आउटपुट होता है, और उसके कंक्लूजन पे हमने पहुंचे हैं कि डब्ल्यूटीआर आईसी पे हम जा सकते हैं। और फिर भी एक डायरेक्ट सोल्यूशन हम देते हैं यहाँ पर, अगर आपको कॉलकॉम का सेट है तो आप डायरेक्ट डब्ल्यूटीआर आईसी पे काम कर सकते हैं। जिनको अगर ज्यादा पीसीबी पर ट्रेसिंग का नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, पीएफओ का नॉलेज नहीं है, तो डब्ल्यूटीआर तो होगा। अगर आईसीओ पर केवल क्या लिखा होना चाहिए? डब्ल्यूटीआर लिखा होना चाहिए। अगर आपसे पूछू बात कर लो, अगर ये आईसी निकालेंगे तो डेड होगा क्या सर? क्यों नहीं होगा सर? सैड डेड नहीं होगा दोस्तों, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये आपको पता चलेगा आपको यहाँ आकर। चलिए ठीक है, एनपीके का अगर निकाल लोगे ना तो सैड क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, पर छोटी चीजें ही पूरा सर्किट बनाती है। तो ये हमारे स्टूडेंट के साथ में आएंगे हम यहाँ पर। तो रजनीश अभी आप इसको क्या करोगे? आप सर अब हम इसकी ये वाली आईसी चेंज करेंगे डब्ल्यूटीआर। आप इससे पहले भी कर चुके हो ना? जी सर कर चुके हैं। ईएमसी में कैसा रहा आउटपुट आपका? सर बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। ईजी जेटेक की बात करूं, यूएफआई की बात करूं, प्रोग्रामिंग की बात करूं, बूट पार्टीशन पहचानना, या हम बात करें आईएसपी पिन आउट, या हम कैसे डिसेबल करके हम ये सब पता है आपको, मतलब सब नॉलेज मिला? हाँ सर सर ने मैं बता। फिरोज सर का कैसा रहा आपका ईएमसी? सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत आराम से समझाते हैं जब तक हमारी समझ में आता, जब तक सर हमें बताते हैं। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, पेस्टेड आईसी निकालना हो गया, निकाल देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी ईएमसी लैब नहीं है दोस्तों, ये हमारा ट्रेसिंग का लैब है, और ईएमसी और हमारा प्रैक्टिकल लैब अलग होता है, तो यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट को ट्रेसिंग कर लैब करवाते हैं। तो चलिए ऐसे ठीक है। बोर्ड लाया आप? स्क्रैप वाला स्क्रैप वाला आईसी ला लियो। ठीक है ठीक है।
आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं के पास एक फाइए है जिसमें सीपीयू सेम लगा है, ठीक है, कॉलकॉम का ये सीपीयू है, उसमें से इसका WTR निकाल के ये लगा रहे हैं। ज़्यादा टेंड मत करिए, बस नॉर्मल रखिए, बस ये वाला स्टैंड नहीं है क्या, दूसरा वाला? अरे वो वाला स्टैंड ले लो ना, हाँ नहीं उनको दे दीजिए, लगा देंगे, लगा देंगे। ये जो सेट है इनके पास डायरेक्ट नहीं आया, ये कहीं शॉप से जाके आया है क्या हनीश कजनीश? और ऑलरेडी ये इस पर ट्रेस कर लिए, बहुत कुछ ट्राई कर लिए। दूसरा IC लगाए थे आप, क्या किए थे? इसी को निकाल के लगाए थे? हाँ सर, इसी को निकाल के लगाए थे। ठीक, इस तरफ का फैन बंद कर दो थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर करिए ना, थोड़ा लाइट में दिखे, यहाँ पर दिखे, थोड़ा ऊपर करिए, हाँ और ऊपर करिए, हाँ काफ़ी ठीक है, ठीक है अभी करिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो कर लें, कर लें। बैंड से करो या इससे उठाना, किसी से भी उठा लो। ₹350 पर रखे हो हेड? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, गोल गोल घूमो। आराम से करो, कोई भी नहीं देख रहा आपको, आप अकेले काम कर रहे हो दुकान में, ऐसा सोच के करो, है ना, कोई नहीं है यहाँ पर, अकेले कर रहे हो, करो आराम से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने ये IC निकाल लिया है WTR, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताइए कहाँ है IC इसका? सर ये तो बता दीजिए पलटा के इसका IC, वहाँ मतलब गर्म है वहाँ पर, कोई कंपनी नहीं मिला, नीचे रख दो, कोई बात नहीं, नीचे रख दो, हाँ नीचे रख दो। तो यहाँ पर ये IC निकाल चुके हैं, और लगाएंगे कौन सी IC आप अभी, ये भी IC बता दीजिए रखें, उसको हटा देंगे, मिक्स मत करो, ये रिसर्च ऑन लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, ये IC लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे, ठीक है, उसको हटा के उधर दूर रख दीजिए, ठीक है, अभी इसका नोज कट पॉइंट देखिए, पहले इसको साफ कर दो, ठीक है, थोड़ा आयरन से कर लो बस, खाना से बस। तो आप सबको पता है कि IC किस तरह से लगानी होती है, क्या क्या नोटिस करना होता है निकालने से पहले और लगाने के टाइम पे? अच्छा, सबको आता है लगाने IC? सबको आता है और सबने लगाया भी है ना? तो ये वाला IC भी तो लगा लेंगे आप, क्या बोल रहे हो? जी सर, क्या फर्स्ट दिन ही IC लगाना निकालना सिखाया गया था। ठीक, तो अभी आ जाएगा आपको रिवॉल्व करना, IC लगाना। जी सर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है सब समझ में आ रहा है आपको? जी सर, प्रैक्टिकली आपके सामने एक जिसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की इशू है, जो कि मार्केट में कहीं शॉप से फिर के इनके पास आया, और ये खुद से अपने आप से कोशिश किए, ट्राई किए, उसको कूल टेस्टिंग की, हॉट टेस्टिंग की, IC को निकाल के भी लगाए, लेकिन वो सेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आए और ये प्रॉपर इनको पता चला कि आखिर करना क्या है, तो और उनको बताया गया, वो स्टेप बाय स्टेप करे और IC भी चेंज कर दिए और उसमें नेटवर्क आ गया, अभी लगा रहे हैं, देखते हैं। क्या डिस्टेंस रहता है?
उतना गैप रख के काम कर लगा रहे हो अनीश बता दो एक बार फिर से रखो उसमें हाँ उठा के रख दो ठीक है रखिए इसमें हमको है ना नोज कट पॉइंट का बहुत ही ध्यान रखना है कि कहाँ नोज कट पॉइंट था निकालने से पहले ऊपर देख लो नहीं दिख रहा है तो ऊपर देख लो आराम से अच्छा वहाँ देख के यहाँ काम करने के लिए टाइम लगेगा ठीक है करो सेंटर से करो नीचे क्लीन नहीं हुआ क्या कहीं से कोई बात थोड़ा नीचे से ऊपर करो इस साइड से हाँ इस साइड थोड़ा सा करो बस ठीक है सर 300 पे रखो छोटी ऐसी है ना ग्लास वाली उड़ जाती है तो 300 पे रखना 250 से 300 पे रख के पहले लगाना बाद में बढ़ाना बाद में हीट देना नहीं तो पहले उड़ के भागते रहते हैं वेस्ट बाद में डालो पीसीबी को अच्छे से क्लीन करना नहीं तो ऐसे ऐसे होते रहेगी हो डांस करते रहेगी चलो काफी है लगा दो बैठ जाएगी वो हिट मारो स्ट्रेट रखो हाँ इस तरह से इसको ऐसे करो ये है ना ये मुंडी नीचे करो हाँ अभी बस छोड़ दो उसको खाली हिट दे दो इस तरह से गोल फिराओ नहीं उड़ेगी फिराओ हाँ और नीचे जाओ जाते जाओ करीब उसके वो आईसी पे ही दो पीछे मत दो आईसी पे ही दो हिट पहले अच्छा दो अच्छा हिट दो हाथ मत रोको एक जगह हिलाओ मत हनी चलने दो तो आप सभी लोग ने यहाँ पर आईसी को रिबॉल और ये लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते कौन लगा सकते हाथ उठा के बताओ ईएमसी वाले भी उठा दो ईएमसी वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर ये तो आपने तो किया ही है आप लोगों को तो पहले दिन से शुरुआत से ही बताया गया ना यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ आपको विदाउट आई माइक्रोस्कोप के कैमरे के बिना इन्होंने ये लगाया हुआ है कि जनरली लोगों को माइक्रोस्कोप के कैमरे के साथ ही करने का आदत रहता है यहाँ पर तो ऐसा नहीं है आपको अगर टेक्निक अच्छी होगी तो माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी और माइक्रोस्कोप चाहिए क्योंकि माइक्रो जंपिंग करने के लिए चाहिए रहती है माइक्रो आईसियाँ होती हैं तो वो आपको पेस्टेड आईसी निकल गए तो टिप्स निकल गए तो माइक्रो जंपिंग करने के लिए चाहिए रहती है हम बहुत जल्द आपको अपनी नई लैब से इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारी एएमसी की 26 तारीख की लैब आप यहाँ चाहें तो आ सकते हैं हमारा दोस्तों नवंबर का बैच पूरा फुल है और अक्टूबर का बैच फुल है इवन दिसंबर भी है जनवरी अभी जो हमारी एडमिशन हो रहे हैं वो सिर्फ फरवरी के लिए हो रहे हैं और जो ईएमसी है वो हमारा 5 और 15 नवंबर को आपको मिलेगा अगर आप इन लोग नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कॉल कीजिएगा सिर्फ 12 बजे और 5 बजे के बीच में जो हमारी जो टीम है जो कॉल अटेंड करेगी वो उसके बीच में
तो आईसीयू में बोलिंग करने के टाइम पे मतलब जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है हमको, और ये बात मान के चलनी है कि एक बार बिठा दी है तो इसका मतलब नहीं है कि आईसी चेंज कर दे, एक और बार रिबॉल करके उसको वापस क्या करेंगे, लगाएंगे वापस, नहीं तो जनरल ऐसे ही में यही आईसी आप खराब मानेंगे और ये भी आप बदल देंगे जैसे अभी ये बोल रहे थे कि दूसरी आईसी लगाएंगे वही जैसे ये बोल रहे थे मैं हारने वाला हूं ना, एक बार रिबॉल करके इसी को लगाएंगे। अभी आपको पता है डब्ल्यू टी आर आई सी कितने की आती है 180 रुपए की, और बाकी कुछ अगर ज्यादा खरीदोगे जैसे अगर हमने खरीदी है अभी 40 तो ये हमको 130 की पड़ी है। अच्छा खड़े हो जाओ, ठीक है बता दीजिए। ये सर इसमें नेटवर्क आ गया, करिए खड़ा करिए फोन। तो देखिएगा इसमें नेटवर्क आ चुके हैं, एक बार इनके लिए क्लैप हो जाएगा। तो क्या काम हुआ है आप ही एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, एक मिनट शुरुआत से। अच्छा ये सेट आप लेकर आए थे अपने साथ? हाँ सर मैं लेकर आया, लेके आए क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ फिर क्या है क्या पूरा डिटेल में बताइए इसके साथ क्या है। सर ये मोबाइल मेरे पास दुकान पर, थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है। तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता, जो जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? जब हम सीखे तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है। अच्छा ये बोल लीजिए आप, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, बी टू बी केबल टूटा हो, आईसीयू के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे, ये तो नहीं आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई है। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए लिखे देवव्रत अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए लिखे देवव्रत अग्रवाल, यानी कि एस एट लिखा। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है क्या उसको कितना पाना चाहिए। लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस सही आहे। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसीए टेलीकॉम सर्च करें, एसीए टेलीकॉम लिखें, और एसीए टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। आई एम सो 9001/2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सर मैं
चार महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का 1-1 दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। सैमसंग में सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक आईफोन दे दूं और आईफोन में BSI ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, क्योंकि मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है हमें। हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें, पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सब लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे CPU लगा के चालू किया है? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में CPU लगा। एक रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं। तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा सर? वो 2 लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा। वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिले। मैनेजर से? पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल? हाँ सर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगा होगा। चप्पल लगी होगी।